सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आपको सार बताया था और उसका जो पहला संवाद है उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं और उसके दूसरे संवाद पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसके तीसरे संवाद पर चर्चा करेंगे, तो कृपया आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए, तीसरा संवाद खोल लीजिए और इसे आप भी पढ़ें मेरे साथ साथ, अपने मन में इसको इसका वाचन करने का प्रयास करें। बहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनि सु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ामन फूकी पहाड़ू, इहां कुमड़ बतिया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठ सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगु सूत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहे रिस रोकी, सुर महिसुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीर तिहारे, मारतु पापरी तुम्हारे, कोटि कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा, जो बिलोकी अनुचित कही, छमु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु वंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। तो बच्चों, ये हमारा तीसरा संवाद है। अब इसके शब्द अर्थ भी साथ साथ आप नोट कीजिए। बहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, बहसी मतलब हंसकर, मृदु अर्थात कोमल, वाणी मतलब वाणी, अहो मुनीसु मुनिवर, महाभट मानी, महाभट यानी महान योद्धा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं। बहसी मैंने आपको बताया हंसकर। अब परशुराम जी जो थे वो दूसरे वाले संवाद में वो अपनी आत्म प्रशंसा किए जा रहे थे, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत ही महान योद्धा हूँ, मेरे परसे के डर से तो गर्भ में ही बच्चे नष्ट हो जाते हैं। तो जब वो अपनी आत्म प्रशंसा कर रहे हैं तो यहाँ पर परशुराम जी की आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण जी जो हैं, बहसी मतलब हंसकर लक्ष्मण जी मृदु यानी मधुर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहो मुनीसु, यानी के क्या कह रहे हैं, हे मुनिवर महाभटमानी, हे मुनिवर आप स्वयं को महान योद्धा मानकर क्या कर रहे हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि बार बार मोहि मुझे दिखाव दिखा रहे हो, कुठारू अपनी अपना फरसा अपनी कुल्हाड़ी, ठीक है, जो उनका फरसा जो उनका शस्त्र है, वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आप बार बार मुझे अपना ये शस्त्र कुठार जो है ये क्यों दिखा रहे हो, फरसा क्यों दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, चहत चहत यानी चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूकी ऐसे करते ना, फूक मारते हैं, फूक मारकर पहाड़ू पहाड़, आप क्या चाहते हैं कि आप फूक मारकर पहाड़ को उड़ा लेंगे, आप बार बार मुझे कुठार दिखाकर क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं निर्बल हूं, मेरे में बल नहीं है और आपकी इस तरह के जो धमकियां हैं उनसे मैं डर जाऊंगा। यहाँ कुमड़ बतिया को हूं नाही, यहाँ यहाँ पर कुमड़ बतिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड और इसको रेखांकित करिए और लिखिए, कुमड़ बतिया क्या होता है, काशी फल का छोटा सा फल, ठीक है, और अर्थात निर्बल के लिए इसको प्रयोग में लाते हैं हम, कोई भी निर्बल जो हो उसके लिए हम कहते हैं, बहुत जल्दी काशी फल जो होता है, सीताफल कद्दू जो होता है बहुत जल्दी गल जाता है, तो उसके लिए उसको निर्बल सा कहते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं यहाँ पर भी कोई निर्बल है, जे तनी देखी मर जाए, जिसकी तरफ आप तर्जनी उंगली से अपनी तर्जनी मतलब की उंगली से आप इशारा करें और वो जो है मर जाएगा, आपकी उंगली दिखाने से ही वो मर जाएगा, आपके फूंक मारने से ही पहाड़ उड़ जाएगा, आप इतने बलशाली हो, इतने महान योद्धा हो। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, देखी देख कर कुठारू आपका फरसा, सरासन धनुष, बाना
बाण, मैं कछु कहा, मैंने कुछ भी नहीं कह रहा, सहित अभिमाना, मैं अभिमान के साथ कुछ भी नहीं कह रहा, यानी कि कहने का क्या अभिप्राय है, इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि मैंने तो कुठार धनुष बाण ठीक है धारण किए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। मैंने तो आपके पास देखा कुठार है और आपने धनुष बाण धारण किया हुआ है और बड़े अभिमान के साथ मैं तो रहा था ठीक है। भृगुसूत समुझी जनेऊ विलोकी, जो कछु कहूं सहे रिस रोकी, रिस रिस मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है गुस्सा क्रोध ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या शब्द आए हैं देखिए, सरासन मैंने आपको बताया धनुष, बाना मतलब बाण ठीक है, और मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अभिमाना यानी अभिमान ठीक है, और कुमड़बत्तियां मैंने आपको बता दिया, काशी फल का छोटा सा फल, निर्बल, भृगुसूत, भृगुसूत क्या होता है, भृगु यानी परशुराम जी के पिता और सूत यानी पुत्र, यानी कि भृगु के पुत्र परशुराम जी को संबोधित किया गया है यहाँ पर। समुझी, समुझी मतलब समझ कर, बिलोकी मतलब देख कर ठीक है, सहो यानी सहन कर रहा हूं ठीक है, और रिस रोकी, रिस मतलब गुस्सा, रोकी मतलब रोक कर। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके गले में भृगुसूत समझी जनेऊ बिलोकी, जनेऊ क्या होता है, हम जनेऊ ब्राह्मण लोग धारण करते हैं ना गले में जनेऊ व्हाइट से सफेद से, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगु पुत्र परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को मैं रोक कर अपने वचनों को सहन कर रहा हूं। क्यों सहन कर रहा हूं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन हरिभक्त, अरुगाई और गाय देवता ब्राह्मण हरिभक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई वीरता, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, किस पर, देवता पर, ब्राह्मण पर, हरिभक्त पर और गाय पर, हमारे कुल में हम इन पर वीरता नहीं दिखाते, अपने बल का प्रदर्शन इन पर नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि देवता तो पूजनीय होते हैं ठीक है, महिषुर ब्राह्मण तो, ब्राह्मण को तो निर्बल माना जाता है, और हरिजन हरिभक्त पर, किसी भक्त पर क्या हम हाथ उठाएं, और गायें तो वैसे ही निर्बल प्राणी है, तो हमारे कुल पर इन पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है ठीक है। सुर महिसर महिसुर हरिजन अरु गायें, हमरे कुल, हमारे कुल में, हमारे वंश में इन पर सुराई वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापू अपकीर्ति हारे, बधे यानी के लिख लीजिए, बधे का अर्थ, बधे का अर्थ है मारने से ठीक है, बधे पापू, पापू मतलब पाप, अपकीर्ति यानी अपयश, हारे यानी हार कर ठीक है, मारतु पा परी तुम्हारे, मारतु मारने से, पा मतलब पैर, परी मतलब पढ़ते हैं, तुम्हारे मतलब तुम्हारे ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्यों नहीं दिखाई जाती, क्योंकि हमारे वंश की मर्यादा है, क्या मर्यादा है कि देवताओं ब्राह्मणों हरिभक्तों और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, इन्हें मारने से पाप लगता है, बधे यानी बध करने पर, मारने से, पापू इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हारने से अपयश मिलता है, अपकीर्ति मिलती है, मारतु पाप परी तुम्हारे ठीक है, अपकीर्ति मिलती है, अपयश मिलता है, अतः यदि आप हमें मारे भी तो हम आपके पैरों पर गिरना ही उचित समझेंगे, आपके पैरों पर गिरकर ही हम आपको प्रणाम करेंगे, क्योंकि हमारे कुल की तो ये परंपरा है कि हम आप लोगों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं ठीक है। अगली पंक्ति को देखेंगे आप, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरी धनुबान कुठारा, कोटि करोड़ों ठीक है, कोटि का अर्थ है करोड़ों, कुलिस यानी कठोर, व्यर्थ यानी बेकार में ही, धरु मतलब धारण किया हुआ है,
ठीक है। अब आगे देखिए इस पंक्ति को, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, करोड़ों कठोर मतलब बहुत ही कठोर जिसको कहेंगे, आपने पता नहीं क्यों ये धनुष बाण वो कह रहे हैं धारण किया हुआ है, व्यर्थ में ही धारण किया हुआ है, क्योंकि आपके वचन जो है, आपकी वाणी जो है वो ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर वाणी आपकी है। फिर कटाक्ष कर रहे हैं लक्ष्मण, फिर यहाँ पर व्यंग्य कस रहे हैं, और क्या कह रहे हैं व्यंग्य कसते हुए, वो कह रहे हैं कठोरों वज्रों के समान आपकी ये वाणी है, आपने बेकार में ही ये धनुष बाण और कुठार धारण किया हुआ है, इसका क्या फायदा, आप तो इतना कड़वा बोलते हैं कि आपके वचनों से ही कोई जो है आप किसी का वध कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि व्यंग्य कस रहे हैं यहाँ पर। जो बिलोकी अनुचित कहू छमु महामुनि धी, ठीक है, यहाँ पर देखिए शब्दों के अर्थ, छमु, छमु यानी क्षमा करें, धीर यानी धैर्यवान, जो बिलोकी अनुचित कहो छमु महामुनि धीर, महामुनि यानी महान योद्धा, धीर यानी धैर्यवान, सुनी सरोष, सुनी मतलब सुनकर, सरोष यानी क्रोध सहित, भृगुवंश मुनि, भृगुवंश मुनि भृगुवंश के मणि परशुराम जी, और गिरा यानी वाणी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अते धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने यदि कुछ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैंने यदि कुछ अनुचित कह दिया हो, कोई अपशब्द कह दिया हो, तो हे धैर्यवान महामुनि आप मुझे क्षमा कीजिए, छमू मतलब क्षमा कीजिए। ठीक है, सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर भृगुवंश के मणि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोले, क्या बोले वो, अब हम आगे चौथे वाले हमारे संवाद में पढ़ेंगे, उन्हें आपको इसका एक बार भावार्थ पूरे संवाद का समझाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी तीसरे संवाद का। लक्ष्मण जी हंसकर, आप साथ साथ पंक्तियों को हाथ लगाकर देखते जाइए, अर्थ का आपको आभास होगा। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर, अहो मुनि महाभटमानी, अहो मुनीश्वर आप अपने आप को बड़ा महान योद्धा समझते हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठार, बार बार मुझे कुलाड़ी दिखाते हैं, फूकी मार पहाड़ उड़ावन, उसका क्या अर्थ था कि फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। तो यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है, यहाँ पर कोई हम भी कमजोर नहीं है जो तर्जनी उंगली के इशारे से उसे देखते ही तर्जनी उंगली को हम मर जाएं। ठीक है, कुठार और धनुष्मान देखकर ही मैंने अभिमान से आपको कहा था, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत यानी कि आपने जो जनेऊ धारण किया हुआ है उसको देखकर ही तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सहन कर लेता हूँ, और हमारे कुल में देवता ब्राह्मण हरिभक्त और गायें पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, यदि हम इन पर वीरता दिखाते हैं और इन्हें मारते हैं तो हमें पाप लगता है, और यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमें अपकीर्ति के पात्र होते हैं, इसलिए आप हमें मारेंगे भी तब भी हम आपके पैरों पर ही पड़ना चाहेंगे, आपका एक एक वचन जो है वो करोड़ों वज्रों के समान है, धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ में ही आपने धारण किया हुआ है, व्यर्थ में ही धारण आप करते हैं, इन्हें देखकर यदि आपके तो करो ये वचन जो है यही करोड़ों वज्रों के समान है, मैंने यदि आपके धनुष बाण और यज्ञोपवीत को देखकर कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान मुनि मुझे क्षमा कीजिए, यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अब क्या बोले वो हम चौथे संवाद में करेंगे, और अब हम आपसे अनुमति चाहेंगे, चौथा संवाद हम कल करेंगे, तो आपसे अनुमति चाहते हैं, और कल तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, धन्यवाद।